बच्चों, आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट। आपको मालूम है कि लगभग 80% लोग, बच्चे खासतौर से भारत के, जिसे हमें विश्व गुरु बनाना है, उनका आईक्यू डाउनवर्ड जा रहा है, एवरेज आईक्यू पे। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। किस में तरक्की कर रहे हैं? नया क्या किया है? कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड के अंदर? दूसरे का माल खरीद के हम बेच रहे हैं, हम ट्रेडर हो रहे हैं। हमारा अपना प्रोडक्शन क्या है? यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी आई है स्टार्टअप में, इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है, कोई शंका नहीं, अनडाउटेडली वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। बट इफ यू कंपेयर योरसेल्फ विथ द स्टूडेंट्स ऑफ यूएस, यूके और रशिया और इवन चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड एक्सेट्रा, वी आर स्टिल लैकिंग इन इनोवेशंस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दो लोगों के नाम बता सकते हो कि उन्होंने कुछ नया इनोवेशन किया? म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप नैनो टेक्नोलॉजी, जहां दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, हमारे बच्चे किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं घर पर या स्कूल में या समाज के द्वारा, जो उस नैनो टेक्नोलॉजी में मास्टरमाइंड हो? और कितने हैं? पांच नाम आप गिना देंगे तो क्या आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? ये आपके लिए चिंता की बात है, ये मेरे लिए चिंता की बात नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमें जो जिंदगी में करना था वो हम कर पाए। लेकिन अब आपको बहुत लंबी दौड़ लगानी है और आपको उस दुनिया से कंपीट करना है जिसको हम ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। संयोग से मुझे ईश्वर ने यह मौका दिया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एज प्रोफेसर पढ़ा सकूं। टीचिंग मेरे लिए दुनिया का सबसे नोबल जॉब है और मैं बहुत कुछ छोड़कर टीचर बना, क्योंकि इससे और बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मुझे गर्व है मैं एक शिक्षक हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हम कहीं कोई गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं तो आप देखिए, अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो आपस में बात करते हैं या सोते हैं, और दोनों का ही मतलब यह है कि वो उस विषय को समझने के लिए तैयार नहीं है, उनका ब्रेन उस कैपेबिलिटी का नहीं है जो विश्व गुरु भारत को चाहिए। अगर भारत विश्व गुरु नहीं बना तो आपको भी कोई नहीं पूछेगा। आपकी रोजी रोटी यूएस से तय होगी कुछ समय के बाद, अगर हम नहीं सुधरे तो यूके से तय होगी, यूरोपियन यूनियन से तय होगी, ऑस्ट्रेलिया चीन से तय होगी। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं बच्चों, 100 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है हमारे और चीन के बीच में, वो हमसे इतना आगे निकल गया। हम लोग राष्ट्रवाद के नारे लगा रहे थे उस वक्त जब चीन इनोवेशंस कर रहा था। साइंस को अपनी जिंदगी, एक धर्मगुरु आपसे कह रहा है, साइंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ बच्चों। लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा। इस वक्त भारत के अंदर जो एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट कंटिन्यूसली है वो कुछ सेकंड्स तक सीमित होकर रह गई है। आप लोग खुद देख लीजिएगा, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो कितनी देर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ सकते हैं, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो कितने सेकंड्स या मिनट्स आप कॉन्सेंट्रेशन से काम कर सकते हैं, जबकि एज एन एवरेज जिस व्यक्ति को जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाना चाहिए वो 2 से 3 घंटे तक कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर सके। अगर ये नहीं कर सकते बच्चों, आगे आने वाले दौर में आपके मम्मी पापा भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, उनका पैसा भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा।
समझना आपको है, और हर चीज के लिए माता पिता या शिक्षक समाज पर आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप में भी कैपेबिलिटीज हैं, यू हैव ब्रेन विद यू, यू हैव अ गुड फिजिक विद यू, यूज इट। आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपका दिमाग है, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपका थिंकिंग प्रोसेस है, उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी है। अगर ये सब चीजें मिसमैच हो रही हैं तो आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं आज यहां पे आपको विद स्टैम्प पेपर कह सकता हूं, दुनिया बहुत बदल चुकी है। आप जिस मुगालतों में जी रहे हो, क्योंकि आप एक सिल्वर स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हो, कभी मोबाइल के रूप में, कभी लैपटॉप के रूप में, घर में भी वही सब चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि आई हैव अचीव द सिल्वर लाइन। नहीं, सिल्वर लाइन जो आपको आपके लाइफ में सिल्वर लाइन देना चाहता है, उसको रिसीव करने के लिए आपको अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर मैं फेलियर हूं तो मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकता, खुद को दे सकता हूं। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री को दोष दूं क्योंकि मैं फेल कर गया। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं पेरेंट्स को या टीचर्स को ब्लेम करूं क्योंकि मैं फेल कर गया। आपको दिमाग मिला था, समय मिला था, गैजेट्स मिले थे, आपको सुविधाएं मिली थी, तब आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे उसका? तब आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे? बातें करने की जगह यदि आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए तो आपके अंदर वो लौह तत्व उभर जाएगा जो आपको मुसीबत में खड़ा होना सिखाएगा। मैं पेरेंट्स अक्सर कहता हूं, या तो ये गारंटी दीजिए कि आप जिंदगी भर अपने बच्चों के साथ रहेंगे, जब तक बच्चे हैं तब तक आप हैं, और नहीं तो उन बच्चों को आयरन मैन और वुमन बनने दीजिए। मीडियोकर्स की सोसाइटी खत्म हो चुकी है, था 25 साल पहले एक वक्त, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडियोकर सोसाइटी हैज एंडेड, फिनिश्ड। यू हैव टू ग्रो ऑन योर ओन। Government at the best can give you certain policies, but you have to avail them. You have to create that awakening and awareness both. और मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको, जब वो कहते हैं, और आपसे 100 गुना ज़्यादा दयनीय हालात में उन्होंने काम किया है इस दुनिया के अंदर, और वो भी आप ही जैसे थे। आपके पास तो जूते हैं, उस बेचारे के पास तो चप्पल भी नहीं थी। आपके पास तो भोजन है और ऐसा लैविश भोजन है, बल्कि आपका भोजन तो कुछ हिस्सा डस्टबिन में चला जाता है जो पाप है अपने आप में, लेकिन उनके पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था, भीख मांगते थे। लेकिन वो पढ़े, अब बजाओ ताली, वो पढ़े, और जिस वक्त में उनके दोस्त मटर गश्ती करते थे उस वक्त में वो इंटरनेशनल लेवल के लॉरियट्स को पढ़ रहे होते थे। वो उर्दू के भी पढ़ते थे लोगों को, वो बंगाली के लोगों को तो पढ़ते ही थे, अंग्रेजी के लोगों को भी, और पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स को उन्होंने पढ़ा था, और धीरे धीरे इतना ज्ञान लाए थे कि वो पूरी दुनिया में उस ज्ञान को फैलाकर भारत का सर गर्व से ऊंचा कर सके। एक व्यक्ति ने जो काम करके दिखा दिया 1893 में, एक व्यक्ति ने, आज हम सब लोग उनके पीछे चल रहे हैं। आपके रोल मॉडल ये है, आपका रोल मॉडल किसी फिल्म का हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, आपका रोल मॉडल ये है, क्योंकि ये आपकी के युग के हैं। कोई मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, राम जी के युग की बात नहीं कर रहा हूं, कृष्ण जी के युग की बात नहीं कर रहा हूं, और ये क्यों कर सके वो, इसका एक सीक्रेट बताता हूं आपको, विच ही हिमसेल्फ हैज एक्सप्लेन्ड, द पावर टू कॉन्सेंट्रेट।
जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं आपकी मेमोरी बढ़ने लग जाती है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके अंदर, और आप अपने ब्रेन का अगर यूज करें तो आपको कम से कम 5000 किताबें पूरी जिंदगी में पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें से 2000 आपको याद होनी चाहिए। आइंस्टीन कोई ऐसे ही नहीं बन जाता बच्चों। और जो दूसरी बात मैं कह के बात पूरी करूंगा वो है द पावर टू स्पीक। कब क्या कैसे बोलना है वो इंपॉर्टेंट है, किन वर्ड्स का चयन करना है वो इंपॉर्टेंट है। स्पीच को समझने की कोशिश कीजिए, स्पीच है क्या, ये कम्युनिकेशन से कुछ ऊपर है। केवल कम्युनिकेशन नहीं है, उसके ऊपर है स्पीच। इज पावर वेयर यू इन्फ्लुएंस अदर्स, दिस इज दैट पावर। इवन इफ यू आर वेरी पुअर, इवन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, स्टिल यू हैव दैट पावर। इफ यू आर ए गुड स्पीकर यू हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डिक्शन। ये बट वाली हिंदी नहीं, लेकिन वाली अंग्रेजी नहीं। मैं जा तो रहा था बट वो मुझको मिल गया, ये क्या मतलब हुआ, लेकिन वो मुझको मिल गया। आई वॉज गोइंग बट ही फाउंड मी और आई मेट हिम। कहीं एक भाषा पे टिको। ये जो हमारे ट्रेंड्स चले हैं ना, समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो स्टैंडर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, और अगर उस स्टैंडर्ड पे आप खड़े नहीं उतरे तो दुनिया आपको नहीं सुनेगी। इंटरव्यू में कंटिन्यूसली फेल करोगे, मम्मी पापा पे डिपेंड मत करना, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी उन्हीं स्किल्स की ज़रूरत है जो नौकरी पाने के लिए ज़रूरी होती है। नहीं तो तमाम बच्चे मैंने देखे हैं जो अरबपति माता पिता का भी पैसा डुबोकर बैठ जाते हैं। उनमें से एक तो नहीं बनना है ना। स्पीच पे काम करो। डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू हैव टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, और उस पर कितना आपने प्रेशर रखना है, किस वर्ड को कैसे बोलना है। कोई सामने से आपके आ रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज यू ऑल आर डिबेटर्स, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आर्टिफिशियलिटी मत लाना। जो नेचुरल आपका ओरेशन है, थोड़ा बहुत तो होता ही है मंच पे जब आते हैं तो, मैं जितनी जोर से बोल रहा हूं वहां थोड़ी बोलूंगा, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियलिटी आएगी, बट इट शुड बी नॉट मोर देन 10%। अगर इससे ज़्यादा आती है तो आपको लोग सुनना बंद कर देंगे, कुछ साल सुन लेंगे टीवी वीवी पर, उसके बाद लोग उखड़ जाते हैं बिकॉज दे वॉन्ट कंटेंट। एंड एलुसिडेशन दैट रियली वर्क्स इन योर लाइफ। अब जैसे कोई सामने से आ रहा है, आपने कहा ओह व्हाट डज इट मीन, आप उसे देखकर खुश नहीं हुए, चेहरा उसकी भंगिमा पढ़ो, ओ यानी वो कहां टकरा गया बेवकूफ, आपका ये स्टाइल है, और वहीं आप कहते हैं ओहो दैट गिव्स प्लेजर, कैस्टेसी ऑफ रिलेशनशिप। वो सामने से जो आ रहा है उसको लगा कि अरे हमदर्द मिल गया मेरा, यही तो था, आई वॉज स्ट्रेस राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, बट द मोमेंट आई सी हर और हिम आई फील एक्सटेसी, आई फील हैप्पीनेस। तो ये आपको सीखना होगा, इंटोनेशन सीखना होगा। दुनिया में सबसे बड़ा कब्जा वो व्यक्ति करता है जिसकी उसके सिविलाइजेशन की नॉलेज पे पकड़ होती है और उसकी उसकी भाषा पे पकड़ होती है। बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं ना तो आपका इम्प्रेशन
आपकी भाषा से होता है। और अगर आप स्टैमर करते हैं, करेक्ट कीजिए, अगर आप तुतलाते हैं, करेक्ट कीजिए। कैसे करेक्ट करेंगे बताता हूं। नींबू को अच्छे से निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक लगाइए, जीभ को आगे खींचिए और उसे रगड़िए। आपकी जीभ में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ बेटर स्पीच। नहीं तो आप हमेशा एक रटे रटाए फ्रेमवर्क में बात करेंगे, भौंहें चढ़ा के, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, ये भी नहीं देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। और इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टंग के बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन योर पर्सनैलिटी, हैव कॉन्फिडेंस। लोग हंसेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, आप भी हंसो एंड फील फॉर्चुनेट दैट बिकॉज ऑफ यू सम पीपल आर लाफिंग, अदरवाइज इट इज सच अ रेयर थिंग इन द सोशल लाइफ नाउ इट इज। लोग हंसते कहाँ हैं, आपकी वजह से लोग हंस रहे हैं। तो IQ बढ़ाइए, ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपनी जीभ को फ्लेक्सिबल बनाइए, वोकेबुलरी बढ़ाइए, इंटोनेशन सीखिए, कहाँ किस लेटर पर आपको एम्फसाइज करना है, किस पे नहीं करना है, आरोह अवरोह क्या होता है भाषा का, ये आप सीखिए। और इन सब के आगे चीज है, वो है पावर टू कॉन्सेंट्रेट। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी नॉलेज तो आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे नॉलेज वाले लोग टीचर हो जाएं ये जरूरी नहीं है। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट, दैट मेक्स यू अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चों, मैंने जो बात कही है इसका ध्यान आप रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।